एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और छुट्टी का दिन, छुट्टी का दिन है और नॉनवेज खाना है, तो हस्बैंड तो मेरे किचन में रहेंगे, तो आज ये बना रहे हैं चिकन बिरयानी, फर्स्ट टाइम है इनका, तो देखते हैं आज इनके स्टाइल में चिकन बिरयानी कैसे बनता है और किस तरह से बनता है। तो आज हमारे पतिदेव बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी, संडे है तो संडे स्पेशल कुछ तो होना चाहिए। वाओ जान, कितना अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है, एकदम पोर्ट्रेट मोड में रिकॉर्डिंग हो रहा है, नया फोन बहुत कमाल का है। अभी मैरिनेट करने के लिए प्याज को भूंजने की तैयारी चल रही है, प्याज को काट लिया गया है, अब इस ऑयल में डालकर उसे डीप फ्राई किया जाएगा। देखिए प्याज को पहले अलग अलग कर दे रहे हैं, ये हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, जब तक प्याज फ्राई होता है तब तक हम चावल फूल लेने। तो ये मैंने तीन ग्लास नहीं, ढाई ग्लास चावल लिए हैं। अगर चिकन 500 ग्राम है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा और क्या कह सकते हैं, यानी डेढ़ गुना ज़्यादा चावल लेना होता है बिरयानी के लिए। तो अब हम इसे पानी में सोक करने के लिए दे देंगे। प्याज ऑलमोस्ट रेड होने के कगार पे है, अब इसे हम निकाल लेंगे थोड़ी देर में। चावल को वॉश कर लेंगे अच्छे से, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, इससे चावल टूट जाते हैं, तो हल्का सा ही एक से दो बार पानी में वॉश कर लेंगे चावल के टुकड़ों पे, ताकि गंदगी और चावल के टुकड़ों पे जमा हुआ जो स्टार्च होता है वो सारा निकल जाए। हल्के हाथों से वॉश करेंगे इसको, ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं। तो ये 30 मिनट तक चावल को सोक होने के लिए छोड़ देना है पानी में। ये हमारा प्याज देखिए पूरा लाल हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे ऑयल से छान कर। उसको कैसे टांग के रखोगे हाथ में? हाँ इस तरह से प्याज को निकाल लेंगे और एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखकर उस पर प्याज को फैला देंगे। तो इस तरह से स्प्रेड कर देना है प्लेट में प्याज को, जब ठंडा होगा तो एकदम क्रंची हो जाएगा, फिर इसे हम यूज करेंगे बिरयानी में। अब मैरिनेशन में लगेगा जो भी वो पतिदेव तैयार कर रहे हैं, लाइक पुदीना का पत्ता और धनिया पत्ता, थोड़ा जा रहा है। अब उसी तेल में चिकन को डाल दिया है धोकर, अब ये मैरिनेशन का प्रोसेस चल रहा है, मैरिनेट करने के लिए क्या क्या उसमें मिलाएंगे। अरे हल्दी, नमक के बाद हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, सॉरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, फिर धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम गरम मसाला डालेंगे, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा, 1 टेबल स्पून, उसके बाद मेन जो है इंग्रेडिएंट मैरिनेशन का वो है दही, तो आधा किलो चिकन है तो उसमें एटलीस्ट 150 ग्राम दही डालेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, मिला लेंगे, बाद इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड कुछ खड़े मसाले, बड़ी इलायची, दालचीनी एंड लौंग, काली मिर्च, ये सब खड़े मसाले, हरी इलायची, ये सारे इसमें डाल देंगे। आज में हम इसमें फ्राइड अनियंस डालकर इसको मिलाकर मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए।
कर छोड़ देना है। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है अभी देखने में, पकेगा तो और कितना अच्छा लगेगा। अभी इसे ढक कर छोड़ देंगे एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। और कुछ बोलना है आपको? हाँ, यू आर ऑन रिकॉर्डिंग। अब चावल को कुक करना है 70%। उसके लिए हमें चाहिए पानी, पानी में कुछ खड़े गरम मसाले जैसे फ्लावर हो गया, बड़ी इलायची हो गया, और क्या डाल, दो चार लौंग की कलियां, दो चार बोला गया था, छोटी इलायची, दालचीनी, बे लीव्स। अब मैरिनेशन के बाद पकने के लिए चढ़ गया चूल्हे पे, इसे कुक किया जाएगा 15 से 20 मिनट, जब तक थोड़ा चिकन सॉफ्ट ना हो जाए। कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, जिस तरह जैसे जैसे मसाला अच्छे से पकते जाएगा चिकन का कलर चेंज होते जाएगा। एक्चुअली पतीला बहुत बड़ा हो गया था जिसमें हम लोग चिकन कुक कर रहे थे, तो अब उसे छोटे से पतीले में ट्रांसफ़र करना है। हमारा चावल भी पककर रेडी है 70%, तो इसे हम छान लेंगे छलनी से। ये छोटे से पतीले में चिकन ट्रांसफ़र हो गया, अब इसे छलनी में चिकन को ट्रांसफ़र करने के बाद जो चावल है उसे छलनी में छानने के बाद हम उसमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी पुदीना के पत्ते, हरे पत्ते डाल देंगे और बिरयानी मसाला डाल देंगे। फिर इस तरह से इस पर डाल देंगे फैला कर। इसके बाद पुदीना का पत्ता, धनिया का पत्ता और फ्राइड अनियंस डालेंगे, फिर एक लेयर चावल का डालेंगे इसके ऊपर। इसके बाद 2 टेबल स्पून घी डालेंगे उसमें अच्छे से। आटा से दम नहीं लगेगा उस पर, आप थाली रख के ऊपर से पानी भर के भी रख दोगे तो दम लग जाएगा। अब इस पर हम लोग दम लगाएंगे, इस तरह से प्लेट को उल्टा करके रख देंगे और इसके ऊपर भारी वजन वाली चीजें रख देंगे, उससे कि गैस ना निकले। देखिए दम लगाने के लिए हमने पानी भर कर रख दिया है। पानी भर के रखने का मेन ये रीजन है कि वो उस गैस वो निकले ना ऊपर से, बस इसको बोलते हैं दम बिरयानी। दम लगा दिया हमने इसमें और अब ये इसे 20 मिनट तक हम लोग पकाएंगे धीमी आंच पे। चलिए हमारी बिरयानी बनकर तैयार है, देखें कैसी बनी है। और पहले वाओ वाओ, प्लेट में निकाला जाए। ये पूरा फैलाना मत प्लेट साइड में। वाओ लुक्स यम्मी, मस्त मसालेदार चिकन दम बिरयानी बनकर रेडी है। Thank you.